बजट में अगर कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड अच्छा काम करता है वो टेक्नो इन्फिनिक्स ही करता है। रिसेंटली टेक्नो उसके पॉपुलर एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है पोवा सीरीज में, टेक्नो पोवा 4। टेक्नो पोवा 3 जो था काफी ट्रेंडिंग फोन था, काफी पॉपुलर फोन था और काफी ज्यादा बिका भी, और मैं उसका रिव्यू किया था, वाटर टेस्ट वगैरह किया था, बहुत ज्यादा व्यूज आया था, आपने बहुत ज्यादा प्यार भी दिया था, उसके लिए बहुत थैंक यू यार, ऐसे ही सारे वीडियो में प्यार दिखाया करो। खैर आज इस वीडियो में टेक्नो पोवा 4 का प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप एफोन लेने के लिए जा रहे हो, ऑब्वियसली बजट में एफोन बढ़िया है, आप लोगे ही, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगा जिसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कुछ अच्छा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, इस फोन में 6000 mAh का काफी पावरफुल बैटरी मिलता है। इस बार टेक्नो यहाँ पे STS सेफ टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, यानी कि बैटरी जो ड्रेन होता है उसमें थोड़ा सा पाबंदी लगाएगा, यानी कि थोड़ा सा कंज्यूम करेगा बैटरी और भी देर तक चलेगा इस टेक्नोलॉजी के वजह से। उसके साथ साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया है तो फुल चार्ज होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा जो प्लस पॉइंट है, इसका रैम और स्टोरेज, 8GB प्लस 128GB स्टोरेज दिया है, वो भी 12000 में। यार 8GB रैम 12000 में देना बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग 3GB और भी एक्सटेंड कर पाओगे, लेकिन वर्चुअल रैम में मैं विश्वास नहीं करता। 8GB का जो रैम दिया है ना, किलर है। 12000 में कोई भी 8GB रैम प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो टेक्नो कर रहा है, और 12000 में रैम मैनेजमेंट किलर मिलने वाला है आप लोगों को। तीसरा है प्रोसेसर। ये फोन मेनली गेमिंग के ऊपर बेस्ड करके लॉन्च किया जा रहा है बजट में। मीडियाटेक का हिलियो G99 चिपसेट यूज किया जाएगा। बजट में गेमिंग के लिए मैं कहूंगा ठीक ठाक चिपसेट है। इस फोन में हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी 2.0 लाइट यूज किया जा रहा है। हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी का जो काम है ना, जो नेटवर्क अप डाउन रहता है उसको स्टेबल करके आपको गेमिंग एक्सपीरियंस को अच्छी तरीके से स्मूथली प्रोवाइड करवाना, ताकि जो इंटरनेट है वो अप डाउन ना हो। पैंथर गेमिंग इंजन टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अगर आप ज्यादा टाइम तक गेमिंग कर रहे हो, बजट फोन में क्या होता है, ज्यादा टाइम तक गेम करने के बाद थोड़ा सा लैग वगैरह होता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी और भी बूस्ट करेगा, आपके फोन में लैग नहीं होने देगा, तो ये भी अच्छा फीचर्स इस फोन में यूज किया गया है। चौथे फीचर्स के बारे में बात करूं, इस फोन में 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया है, गेमिंग के लिए थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। पांचवा पॉइंट है इसका डिजाइन। बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा इसके डिजाइन की वजह से, किलर डिजाइन है, बहुत सारे लोग फोन खरीदेगा भी इसके डिजाइन की वजह से। सच में दोस्तों इसके डिजाइन देखकर मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। टेक्नो पोवा 3 का भी बहुत अच्छा डिजाइन था, टेक्नो पोवा 4 का भी अच्छा डिजाइन है। छठा पॉइंट है, इस फोन में NFC दिया गया है। बजट फोन में जनरली NFC नहीं रहता है, NFC 25,000 या 30,000 के ऊपर के फोन में NFC रहता है, लेकिन ये बजट में प्रोवाइड कर रहा है, और क्या चाहिए आप लोगों को। इस फोन में मैंने बहुत ज्यादा ढूंढा लेकिन कुछ भी कमियां मुझे दिखाई नहीं दिया है। सच में दोस्तों 12000 में फुल्ली फायर्ड फोन है, यानी कि सब कुछ भर भर के दिया है। अगर आप 12000 में कोई भी फोन खरीदने के लिए जा रहे हो, इस फोन के पास एक बार जरूर चेक करना। आप लोगों को ये फोन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आप लोग खरीदोगे कि नहीं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।